नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम और मेरे साथ हैं हमारे साथी दीपक यादव जी। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। हर हफ्ते हम बुलेटिन करते हैं उत्तर प्रदेश की क्राइम पर, क्यों आप लोगों को पता है इतनी सारी घटनाएं होती हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें दिखाता नहीं है। तो इस हफ्ते की बड़ी खबर जो रही है पिछले संडे से लेकर इस संडे तक, क्या बड़ी ऐसी घटना रही है उन पर बात करते हैं। दीपक जी बताइए, इस बार का क्या हाल है यूपी का? कुछ घटनाएं कम हुई हैं या बढ़ी हैं? नहीं, इस बार तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है उत्तर प्रदेश की घटनाएं। अच्छा, और उत्तर प्रदेश को तो अब शायद मुख्यमंत्री जी कहते हैं उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश अब अपराध प्रदेश हो गया है। अच्छा, पहली घटना से हम लोग शुरुआत करते हैं। हापुड़ में एक जून 2019 में एक लड़की के साथ रेप हुआ था। अच्छा। तो वो दोनों जो आरोपी रेप किया था जिन्होंने, वो लोग दोनों जेल में थे, फिर भी समझौते का दबाव बना रहे थे, समझौता करके केस को ख़त्म किया जाए। तो वो लोग नहीं मान रहे थे परिवार वाले, क्योंकि उन लोगों के साथ गलत हुआ था। तो नहीं मानने के बाद जो उनके मित्र हैं, जो आरोपी थे उनके मित्र हैं, साथी थे, हाँ, उन लोगों ने उस लड़की पे एसिड अटैक किया तेजाब से, जो कि लड़की का चेहरा बुरी तरह से जल गया। अरे बाप रे, कितना बुरा हुआ। पूरी तरह से कोई कंप्लेन की उसके बाद ने आरोपी को गिरफ्तार किया? अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, 20 दिन हो गया। 20 दिन हो गए, कोई पुलिस का एक्शन नहीं हुआ। देखिए, ये हाल है यूपी का। पहले उस लड़की के साथ घटना हो जाती है, आरोपी दबाव बनाता है, और दबाव अगर वो नहीं मानती है तो एसिड अटैक करा देता है। ये घटना, इतने बेखौफ हो गए हैं अपराधी। अब दूसरी घटना क्या? महाराजगंज में, अच्छा, कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। 4 साल की बच्ची खेल रही थी, उसके साथ एक लड़के ने, जो कि यंग लड़का है, 19-20 साल उसकी उम्र होगी, और उसको ले जाकर 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया उसने। और वो लड़की की तबीयत काफ़ी ख़राब है, हालांकि बच गई है लेकिन काफ़ी ख़राब है। और जब पुलिस में कंप्लेन किया गया है तो अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये महाराजगंज की घटना है, जो कि पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस को लेना चाहिए, पुलिस को समझना चाहिए कि उनके प्रदेश में क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए। अच्छा, मासूम के साथ रेप हो गया और किसी को कोई खबर ही नहीं। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, बांदा जिले में एक युवती के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ कर रहे थे। तो अक्टूबर 2019 में लड़की ने जो है FIR किया था। वो दोनों लोग जेल में थे, ठीक है। जेल में से आने के बाद वो उन लोगों ने इस लड़की पे बांदा की घटना बांदा की घटना है। जेल से आने के बाद दोनों जो अपराधी जो है उसको अपहरण किया। अपहरण करने के बाद उसको 2 महीने तक, एक आदमी था रामजी नाम का, वो आदमी क्या किया कि वो लड़की रास्ते में जा रही थी, नशीले पदार्थ सुंघा के, वो लोग जेल में है और जो रामजी नाम का आदमी था वो नशीले पदार्थ सुंघा के और 2 महीने तक रेप किया उसके साथ, उस लड़की के साथ। और रेप करने के बाद वो कैसे भी अपना जान छुड़ा के भागी है उनके चुंगल से, एक रूम, एक खंडर जैसा कमरा में। अपराधियों में कोई डर नहीं है पुलिस का? जो मुख्यमंत्री कहते हैं अपराधी तो उत्तर प्रदेश छोड़ो या दुनिया छोड़ो, वो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। बांदा जिले वाले में जो अभी घटना बताया वहाँ पे तो अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया उन लोगों को, जो कि अपराधी छूट भी चुके हैं और वो लोग भी शामिल थे, कोई एक्शन नहीं लिया उन लोगों ने। एक हापुर में नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ था, 7/2020 को उसकी गवाही है, हुआ था 1 साल पहले, 2019 की मैटर है। उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया गया था और रेप करके पिछले साल तेजाब फेंक दिया गया था। और जब वो लड़की का गवाही है, केस चल रहा है, 7 तारीख को, इसी 7 तारीख को गवाही है, शायद आज 8 ही तारीख है। तो उन लोगों ने जो है उस लड़की पे एसिड अटैक किया और फिर हालांकि बच गई है, चेहरा वगैरह नहीं जला है, और फिर से एसिड अटैक करने का धमकी दिया है दोबारा से। यानी कि नहीं मानेंगे, गवाही दोगे तो दोबारा से करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अगली घटना क्या? कौसबी जिले में 4 तारीख को, इसी 4/2020 को, 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया पड़ोसी के ही एक लड़के ने। अच्छा। बच्ची बहुत ही मासूम थी और उसके साथ जो दुष्कर्म किया, मुंह बांध कर, अच्छा, मुंह बांध कर ले जाके किसी खेत में दुष्कर्म किया। फिर वो लड़की काफ़ी सीरियस है, तो पुलिस ने कंप्लेन भी हुआ पुलिस में। तो पहले तो पुलिस बहुत देर से पहुंची, और देर से पहुंचने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। 18 साल की लड़की, एक और मैं बताता हूँ आपको, 18 साल की लड़की 3/2/2020 को, अच्छा, सामा बाजार गई थी, शाम में बाजार गई थी, ठीक है। बाजार जाने के बाद रात से वो बाहर आई, जब रात में आई वो रात में वापस नहीं है घर, उसके साथ कुछ लोग छेड़छाड़ कर रहे थे, तो वो विरोध कर रही थी, FIR भी कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई गिरफ्तार नहीं किया। फिर बार बार उसके साथ ऐसी घटना होती थी, तो बार बार पुलिस से कोर्ट में केस करने के बाद कुछ
उन लोग का बेल हो गया। बेल होने के बाद फिर उसके साथ छेड़खानी करने लगे। अच्छा। तो छेड़खानी करने के बाद जब वो कुछ न्याय नहीं मिल रहा था, जब वो लोग वापस आए तो और गुस्से में आए अपराधी, तो फिर उसके साथ जो है ना बार बार जो छेड़छाड़ कर रहे थे और गलत काम कर रहे थे, तो वो जब अपने आप को ये समझने लगी कि अब न्याय हो ही नहीं रहा है, तो लड़की ने फांसी लगा लिया है। अच्छा। वो फांसी लगा के मर गई है। इस पे पुलिस जो है परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं तो हमारी बच्ची बच सकती थी, बच सकती। और अपराधी कोई इतना परेशान किया गया, बेचारी को आत्महत्या करनी पड़ गई। हाँ, अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं और एक्शन नहीं हुआ, तो मजबूर होकर तैयार कर ली। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, बांदा जिले में जमीनी विवाद था, ठीक है। पुलिस लेट से पहुँची और एक बूढ़े व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को, बेचारे को कुछ लोगों ने ईंट से कुचल के मार डाला। वो अभी जिंदा है बेचारे, तो ईंट से कुचल के मार डाला। जमीन का विवाद था, जमीनी विवाद था। अच्छा। और पुलिस जो आजकल उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं झगड़ा भी होता है या कोई मैटर सुलझाने जाती है तो पहले वीडियो बनाती है। वीडियो बनाने के बाद, तो वीडियो बनाने में जब तक वो मारपीट कर रहे हैं, तो मारपीट कर रहे हैं तो खुद एक दूसरे को ख़त्म कर लेंगे। तो आपका काम सुरक्षा देना है ना, छुड़ाना है ना, कि वीडियो बनाना है, पहले वीडियो बनाना है। हाँ, तो टिकटॉक वाली के वीडियो में आजकल चल रहा है पुलिस में। अच्छा। तो टिकटॉक का काम करिए उत्तर प्रदेश की पुलिस। ओके। अरे आप क्या हो गई है? हाँ, उत्तर टिकटॉकिया हो गई है। प्रयागराज में एक हंडिया थाना क्षेत्र है, दाऊदपुर गाँव में, एक महिला और तीन बच्चे सोए हुए थे और रात में उन लोगों का मर गए थे। रात में कुछ लोगों ने आगे मार दिया। किसने हत्या कर दी? हाँ, किसी ने हत्या कर दी। खबर, किसी तरह की रिपोर्ट, एफआईआर दर्ज? उन लोगों को शक है कि कोई जमींदार है। हाँ। वही आके परेशान करते थे। अच्छा। अब ये तो नहीं हम बता सकते कि वही मारे हैं या कोई और मारा है। तो आखिरकार जब उन लोगों को शक है तो गिरफ्तार करके पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन पुलिस अब तक कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है उस केस में, तो पुलिस ने कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं है। अगली खबर की तरफ, मुख्यमंत्री जी के इलाके पे आते हैं, जहाँ से मुख्यमंत्री जी, गोरखपुर से मुख्यमंत्री, क्या हुआ? पीपीगंज है गोरखपुर में एक। अच्छा। और कुछ लोग, एक टोल प्लाजा है वहाँ पे, तो टोल प्लाजा पे पुलिस तो रहती ही है, यहाँ भी टोल प्लाजा पे पुलिस रहती है, हमेशा पुलिस रहती है। तो उस टोल प्लाजा पे दो लड़की स्कूटी से आती थी, या कोई भी लड़की आती थी, तो कुछ गुंडे थे, दबंग टाइप के कुछ गुंडे थे, उसके साथ छेड़खानी किया करते थे। ये मुख्यमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जहाँ से वो उभरे हैं, तो फिलहाल वो संसद नहीं है वहाँ पे, गोरखपुर से आते हैं। हाँ, तो जहाँ से वो उभरे हैं वहाँ पे लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, पुलिस की निगरानी में, पुलिस वहीं खड़ी रहती है और फिर वो घटना होती है। लेकिन योगी जी की पुलिस का, हाँ, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। अच्छा। जो कि मुख्यमंत्री जी के इलाके का आता है। एक सहारनपुर जिले में मनिहार शिवपुरी गांव है। हाँ, 80 साल के बुजुर्ग कृष्ण, 80 साल के बुजुर्ग थे, पति पत्नी को कुछ गुंडों ने बहुत मारा और मारा, उसके बाद उनके तीन बच्चे हैं जो कि अभी इनका कहीं रोजगार वगैरह नहीं लगा है। मर गए दोनों? नहीं, जिंदा है। अच्छा। हॉस्पिटल में भर्ती हैं और काफ़ी सीरियस हैं, और कोई विवाद था, जमीनी विवाद, अभी तक सुलझा नहीं, और जो कुछ लोग आए उसको मारे, और वो तीन बच्चे उनके परेशान हैं, तो चूँकि बेरोजगार हैं तो और परेशान हैं, तो पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है। हमला एक हफ्ते हो। अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद में एक निवाड़ी थाना क्षेत्र है, डंडे से पीट पीट कर एक लड़के की हत्या कर दी गई। उसके बाद सुल्तानपुर कुरम्भा भार थाना क्षेत्र में ग्राम भर्ती में अधेड़ की 6 बरस अधर की गणासे से काट कर हत्या कर दी गई। बरेली में लाइनपुर में रिटायर पुलिसकर्मी के बेटे की हत्या। मेरठ में अधोगा पुलिस वाले भी सेफ नहीं है। हाँ, अधोगापुरा में फैक्ट्री चौकीदार की पीट पीट कर हत्या। श्रीवास्ती में मलहीपुर के तेंदुआ बराव में एक युवक की गला रेत कर हत्या। वाराणसी में प्रधानमंत्री जी का जो क्षेत्र आता है, जहाँ से प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, चौबेपुर क्षेत्र में बालूघाट में बदमाशों द्वारा युवक को गोली मारकर हत्या। तो इतनी हत्याएं पे हत्याएं हो रही हैं। हाँ, इतनी हत्याएं हो रही है, इतनी उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं हो रही है। और मुख्यमंत्री जी अभी तक अपने यहाँ कौन सा प्रदेश बनाना चाहते हैं, और अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगा रखे हैं। और आखिरकार जो उनके मंत्री हैं, जो कुछ लोग अगर दलित मंदिर में जाना चाहते हैं तो कोई मार के पैर तोड़ देता है, और किसी को गंदा बोल देते हैं, किसी समाज को किसी को गाली देते हैं, तो उनका नाम मंत्री के मुंह से नाम बदलने में बिजी हैं बस। हाँ, पर अभी तो एक नया है, पुलिस की कार्यवाही देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और ना ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं हो रही है, एक नया, इतनी सारी घटनाएं, कितनी हत्या हुई आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं।
तकरीबन 5 से 6 हत्याएं हैं, 2-3 रेप की घटनाएं हैं, मारपीट की बहुत सारी घटनाएं हैं और घटनाएं पे घटनाएं हो जा रही हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो दिल्ली की चुनावी रैली में व्यस्त थे पूरे हफ्ते, उनका यहाँ पे दौरा रहा दिल्ली के अंदर। दिल्ली को वो कह रहे थे यूपी की तरह डेवलप करेंगे, क्राइम का हाल आप लोगों को पता ही है। एक सवाल सिर्फ इतना सा है कि अब थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करें, सुरक्षा दें नागरिकों को ताकि वो कहीं आने जाने में किसी को असुरक्षा महसूस ना हो। तो किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बड़ी सोचने लायक बात है कि उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं ये चाहता हूं कि घटनाएं कम से कम खबर आएँ, लेकिन हर बार बढ़ जाती हैं। दीपक जी जो इतनी सारी डिटेल लेके आते हैं, क्योंकि हम लोग यूपी पे इतना फोकस नहीं कर पाते, हमारे दीपक जी यूपी से आते हैं तो सारी घटनाओं का ब्यौरा अपने पास रखते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि यूपी में चल क्या रहा है। पुलिस जो है वीडियो बनाती है टिकटॉक की तरह, उनका भी यही काम है टिकटॉक पे वीडियो वायरल करना, सुरक्षा देना शायद वो भूल गई हैं। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। यूपी से है तो ज़्यादा से ज़्यादा खबर की आप लोगों के पास कोई खबर है हमारी मेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, हम उसे यहाँ से चलाएंगे। खबर जो है तथ्यात्मक हो, कोई फेक खबर ना हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज का हाल है इस पर आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएँ।